Let us start with the most important topic of carbohydrates from the point of view of exam, and the topic is mucopolysaccharides or GAGs. Let us understand what a mucopolysaccharide means. A mucopolysaccharide is a long, linear and unbranched polysaccharide comprising of repeating unit of disaccharides. इसे सिंपल करते हैं, मान लीजिए एक 2 शुगर यूनिट जो कि डाइसैकेराइड है, ये रिपीटेडली एक लीनियर चेन में एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, एंड द 2 sugars of disaccharide are amino sugar and uronic sugar. मतलब सिंपली एक डाइसैकेराइड जो कि अमाइनो शुगर और यूरोनिक शुगर से बना है, वो एक लॉन्ग लीनियर अनब्रांच्ड पैटर्न में खुद को रिपीट करता हुआ एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड फॉर्म करता है, जिसे हम ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस GAGs भी कहते हैं. अब हम ब्रीफली देखते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है. तो इनका पहला फंक्शन ये है कि हमारे जो टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उनका एक एसेंशियल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर्म करते हैं. मतलब जितने भी टिश्यू स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड आर एसेंशियल बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज टिश्यू स्ट्रक्चर्स. सेकेंड फंक्शन ये है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, विच इज़ एसेंशियली फाउंड इन दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस जिसमें फाइबर्स एम्बेडेड होता है, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ गैग्स. तो ये ग्राउंड सब्सटेंस जो कि बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में रहता है, उसे गैग्स बनाता है. तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के जो हमें ध्यान रखना है. लेट अस नाउ मूव ऑन to the most important type of gag, which is hyaluronic acid. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी साइट्स कहाँ कहाँ है, ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है. तो फर्स्ट, इट इज़ फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट. जितने भी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करता है, उनके ग्राउंड सब्सटेंस में हाइलुरोनिक एसिड मिलता है. Second, it is found in the vitreous humor of eye. And third, it is found around the ovum. और ovum के आसपास आजू बाजू ये एक gel के form में present रहता है. अब let us move on to its function. इसका सबसे important function ये है कि it acts as a lubricant and shock absorbent. जैसे कि ये joints में present है, तो ये joints को lubricate भी करेगा और साथ ही साथ shock absorb भी करेगा. अब आगे बढ़ते हैं इसके कंपोजिशन की तरफ. जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ D-glucuronic acid एंड N-acetyl glucosamine. D-glucuronic acid एंड N-acetyl glucosamine. अब ये जो दोनों शुगर्स है, D-glucuronic acid एंड N-acetyl glucosamine, ये एक दूसरे से β-1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है. अब हाइलुरोनिडेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस हाइलुरोनिक एसिड, और ये β-1,4 लिंकेजेस को ब्रेक करता है. नाउ हाइलुरोनिडेज इज़ फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेमिनल फ्लूइड, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हाइलुरोनिक एसिड एक जेल बनाता है ओवम के आसपास, तो हाइलुरोनिडेज जो कि इस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, दैट इज़ फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड. सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स द स्पर्म टू ईजीली पेनिट्रेट द ओवम विद द एक्शन ऑफ हाइलुरोनिडेज, क्योंकि वो जो जेल होता है ओवम के आसपास, विच इज़ कम्पोज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, गेट्स ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरियाज, जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं दूसरे सेल्स को. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कार्बोहाइड्रेट्स में है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि जिन्हें हम ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस भी कहते हैं, एंड द हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैग.